हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? होप करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ज़्यादातर जो है हम लोग सिर्फ व्हाइट नंबर प्लेट को देखते होंगे, ज़्यादातर यही नंबर प्लेट को देखते होंगे, बट इंडिया में टोटल 7 तरह के नंबर प्लेट होते हैं जिनके अलग अलग मीनिंग होते हैं। अगर येलो नंबर प्लेट होगा तो वो कमर्शियल यूज, मतलब टैक्सी के लिए, व्हाइट नंबर प्लेट होगा तो प्राइवेट यूज के लिए, मतलब आपके पर्सनल यूज के लिए है वो। बट इंडिया में और 7 तरह के नंबर प्लेट होते हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको बता दूं। अगर आपको रेड नंबर प्लेट दिख जाए और उस पर जो है नेशनल सिंबल हो, तो या तो वो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की जो है, स्टेट गवर्नर की जो है वो गाड़ी होगी, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की गाड़ी होगी। अगर रेड नंबर प्लेट हो और व्हाइट नंबर हो, रेड नंबर प्लेट और व्हाइट नंबर हो, तो जो है वो न्यू व्हीकल का जो है टेम्प्रोली नंबर होगा। अगर ब्लू नंबर प्लेट है तो फॉरेनर डिप्लोमेसी को जो है वो इशू किया जाता है। और नंबर पे कोई अगर एरो है और वो जो है वो एक जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो वो डिफेंस मिनिस्ट्री की गाड़ी हो सकती है। उसके आगे जो है हरदम एरो होगा, जैसे डिफेंस मिनिस्टर मतलब आप समझ जाइए कि आर्मी की गाड़ी हो सकती है। और अगर ग्रीन नंबर प्लेट है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की गाड़ी होगी, आपको कम दिखते होंगे। और अगर रेंटेड कार होती है, मतलब जूम कार्स होती है, तो उसमें ब्लैक नंबर विथ येलो अल्फाबेट होते हैं, ब्लैक ब्लैक पूरा ब्लैक होता है और उस पर येलो लेटर होते हैं। एंड अब एक नए नंबर प्लेट की तरफ, अब एक नया नंबर प्लेट आ रहा है BH कोड के साथ, नंबर स्टार्ट होता है BH से, वो गवर्नमेंट जॉब होल्डर के लिए, जो गवर्नमेंट जॉब करता है उसके लिए वो नंबर प्लेट इशू करवाया जाता है कि न्यू जगह पे उसका ट्रांसफर हो तो वो व्हीकल रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर ना करना पड़े उसको, व्हीकल रजिस्ट्रेशन को जो है अपने स्टेट से उसको दूसरे स्टेट में ट्रांसफर ना करना पड़े, जिससे उसको कोई दिक्कत ना हो इन फ्यूचर। इसलिए अब BH नंबर प्लेट दिया जाने लगा है गवर्नमेंट के लिए। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।